एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज के हम हमारा सेशन में पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28, वो एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। यानी कि यहाँ हमें सिर्फ पहचानना है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट, आई ट्रीट द पेशेंट्स, आई हैव माय ऑन क्लिनिक, यानी कि पेशेंट है और मेरा क्लिनिक है। डॉक्टर, आई टीच इन द स्कूल, ऑल द चिल्ड्रन लाइक मी वेरी मच। टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं। आई रिपेयर द मोटर कार्स, आई वर्क इन अ मोटर गैराज। मैकेनिकल जो गैराज वर्क करते हैं वो। आई डिलीवर्स लेटर एट द डोर स्टेप्स, आई वर्क खाकी इन यूनिफॉर्म। तो खाकी यूनिफॉर्म में कौन वर्क करता है? पोस्टमैन। आई बिल्ड द हाउस, आई यूज अ ब्रिक्स एंड सीमेंट टू बिल्ड द मशीन्स, जो बिल्डिंग बनाता है। आई इन्वेंट अ न्यू थिंग्स, आई वर्क इन लेबोरेटरी। साइंटिस्ट है, वो नई चीज़ बनाते हैं। आई एम द हेड ऑफ द स्कूल, आई मेंटेन अ डिसिप्लिन, यानी कि स्कूल का मैं हेड हूँ और मैं बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ। तो वो कौन है? हमारे प्रिंसिपल। तो यहाँ सिर्फ हमें पहचानना था कि कौन है। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 28 कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट ग्रामर के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक ही चैप्टर छूट चुका है जिसका नाम है होमोफोन्स। देखो, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का लास्ट चैप्टर होमोफोन्स, और उसके बाद हमारा इंग्लिश का सिलेबस इस वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। बहुत ही इजी है। होमोफोन्स किसे कहते हैं? देखो, चैप्टर नंबर 23 होमोफोन्स। होमोफोन्स आर अ वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड मीन डिफरेंट थिंग। यानी कि होमोफोन्स ऐसी चीज है, उसके प्रोनंसिएशंस सेम है, यानी कि उसके उच्चारण है, उसके प्रोनंसिएशंस, उससे अटरेंस एक है, लेकिन मीनिंग सबका डिफरेंट है। देखो, बी यू वाई बाई बोलते हैं, बी वाई बाई ही बोलते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। इस बाई का मीनिंग है खरीदना, किसी चीज़ खरीदना। आई विल बाई अ ड्रेस, मैं ड्रेस खरीदूंगी, तो इसमें बी यू वाई बाई आता है। और ये बाई का मीनिंग है उसके द्वारा। आई राइट द लेटर इज रिटन बाई मी, यानी कि ये पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, ये बाय का मीनिंग होता है द्वारा। देखो, आई विल बाय अ बुक एट द स्टोर, वी वॉक्ड बाय द स्कूल। देखा, अब देखो डू और ड्यू। इस डू का मीनिंग है कोई काम करना, और इस ड्यू का मीनिंग है उसके लिए ऐसा। शी विल उससे ही, शी विल डू द वर्क बिफोर डिनर। माई एसे इज ड्यू ऑन मंडे, लाइक डैट। फिर है डाई और डाई, ये डाई है यानी कि मरना, ये डाई है जो हेयर कलर वाली डाई है वो। दिस प्लांट विल डाई विदाउट वाटर, आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर ग्रीन, जैसा मैंने कहा था। ये फेयर और ये फेयर, इस फेयर का मीनिंग, वी हैड अ फेयर वेदर फॉर द फ्लाइट, यानी कि जो अच्छा, ये फेयर यानी कि अच्छा है, कई बार कहते हैं, तो इसका मीनिंग ऐसे होगा। क्लियर तो नहीं है, लेकिन इस तरह ही है, जैसे हम सिंटेक्स में पकड़ सकते हैं इसको। वी हैड फेयर वेदर फॉर द फ्लाइट, यानी कि जो वेदर था, एटमोसफियर था, वो फ्लाइट में, प्लेन में जाने के लिए अच्छा था। व्हाट इज द कैब फार टू द एयरपोर्ट, तो ये है फार, फार यानी कि दूर। फिर देखो फोर और फोर, ये फोर का मीनिंग FOUR 4, चार है। इसका मीनिंग है फोर यानी कि उसके लिए। दिस की इज़ अ फोर ओपनिंग द बैक डोर, यानी कि ये उस चीज़ की की है जिससे जो पिछला डोर है वो खुल जाएगा। द कार हैज़ अ फोर डोर्स, कार में चार डोर्स होते हैं। फिर देखो हियर और हियर, एक हियर का मीनिंग है सुनना, और दूसरे हियर का मीनिंग है इधर आना। I hear the music on the radio. Here is the book you wanted to read. यानी कि इधर ये किताब है जो तुम पढ़ सकते हो, if you want, यदि तुम्हें पढ़ना है तो। फिर है आवर और आवर, ये आवर यानी कि हमारा, और ये आवर यानी कि घंटे, एक घंटा, दो घंटा, लाइक डैट। द शो विल बिगिन इन 1 आवर, यानी कि कोई शो है वो एक घंटे में स्टार्ट होने वाला है। अवर हाउस इज ऑन अ मेन स्ट्रीट, यानी कि हमारा जो घर है वो मेन स्ट्रीट में है।
फिर है देखो इट्स और इट्स। द डॉग डिड नॉट ईट इट्स फूड, यानी कि कुत्ता उसका फूड नहीं खाता। ये इट इसीलिए इट्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही शीट वन। और देखो इट्स गोइंग टू बी अ सनी डे, यानी कि आज है वो सनी डे होगा। फिर है न्यू और न्यू, एक न्यू का मीनिंग है, इस न्यू का मीनिंग होगा नया, इस न्यू का मीनिंग है जान कुछ जाना। नो न्यू नॉन, ये न्यू यानी कि कुछ मैंने ये जाना। आई न्यू हर सिस्टर्स नेम, यानी कि मुझे उसकी बहन का नाम पता चला ऐसे जानना। फिर देखो डिड यू गेट अ न्यू जैकेट, क्या तुमने नया जैकेट खरीदा है। फिर देखो वन और वन, वन का मीनिंग होता एक और वन का मीनिंग होता है जीतना। आई पिक्ड ओनली अ वन ग्रीन एप्पल, द ब्लू टीम वॉन द गेम। फिर है थ्रो और थ्रो, ये थ्रो का मीनिंग है फेंकना और इस थ्रो का मीनिंग है उसके द्वारा। प्लीज थ्रो द बॉल टू मी, आई एम थ्रो विथ माई बुक। फिर है टू, टू और टू, इस टू टी डब्ल्यू ओ, टू का मीनिंग होगा एक्चुअली दो, नंबर वन टू थ्री फोर वन। ये टू का मीनिंग होगा बहुत ज़्यादा, ऐसे टू मच बहुत ज़्यादा। और इस टू का मीनिंग होगा उसके लिए, फॉर एग्जांपल हम कई बार किसी को ये कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो इसमें हम वो वाला टू इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी कि ये इस टू का इस्तेमाल है। और ये टू यानी कि This water is too cold, यानी कि पानी बहुत ठंडा है, तो उसमें ये टू है। Too much, exaggeration से, अतिशयोक्ति दिखाएगा। ये जो टू है वो क्या है, exaggeration से, यानी कि this milk is too hot, ये दूध है वो बहुत गर्म है, too hot, इसलिए। अब देखो इसके differences। Take your brother to school, यानी कि तुम्हें अपने भाई को स्कूल से लेने जाना है, तो इसके लिए भी to school, to Delhi, to temple, किसी भी, तो yes to का इस्तेमाल to Delhi, to temple, इस तरह से भी होगा। She would like some milk too, इस to का मीनिंग यहाँ है कि उसको भी दूध पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप और आपका भाई खाने के लिए बाहर गए, तो फिर आप क्या कहोगे, आई लाइक साउथ इंडियन, मुझे साउथ इंडियन पसंद है। फिर आप क्या कहोगे, ही वुड ऑल्सो लाइक साउथ इंडियन टू, उसको भी साउथ इंडियन पसंद है। तो वो इस टू का तीसरा मीनिंग भी होता है, जैसे मैंने वो बताया था, ये भी मीनिंग टू का यही होगा कि उसको भी ये पसंद है। यहाँ देखो शी वुड लाइक सम मिल्क टू, यानी कि उसको थोड़ा सा दूध भी पसंद है। ये तो पसंद ही है लेकिन ये भी पसंद है साथ में, इस तरह। There are two peoples in the house, तो देखो घर में दो लोग रहते हैं, तो इस वो है ये वाला टू, टी डब्ल्यू ओ। सो दिस इज कॉल्ड होमोफोन्स, इसको हम कहेंगे होमोफोन्स। जैसा हमने देखा कि होमोफोन्स के कई सारे जो प्रोनंसिएशंस एक है, अटरेंस एक है, लेकिन सबकी जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो बहुत अलग अलग है। उसी तरह ऐसे तो कई सारे इंग्लिश में होमोफोन्स हैं जिसके प्रोनंसिएशंस एक है लेकिन उसके मीनिंग है वो डिफरेंट है। चैप्टर देखो बहुत इजी है होमोफोन्स का, और कुछ नहीं इस चैप्टर में, आपको सिर्फ स्पेलिंग है वो याद रखने पड़ेंगे और उसके जो डिफरेंस मीनिंग है वो भी याद रखने पड़ेंगे। उसी के साथ देखो हमारा आज इंग्लिश ग्रामर का कोर्स ख़त्म होता है। उसके अलावा हमारा पूरा इंग्लिश का भी कोर्स कंप्लीट होता है। हमने इंग्लिश टेक्स्ट डिस्कस की और ग्रामर, जो एप्लीकेशंस और लेटर राइटिंग की जो आपको पीडीएफ देनी है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी। फिर आपको उसको अपनी CW में है वो लिखना है। तो चैप्टर को रीड और लर्न करना, ये चैप्टर है वो बहुत ही इजी है। वर्कबुक में भी कई सारे होमोफोन्स है वो ऐसे हैं। तो आज के हमारे इंग्लिश में सेशंस में बस इतना ही, यहाँ सिलेबस होता है कंप्लीट। सो कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड गुड बाय एवरीवन।